कहा जाता है कि सब जग होरी जा ब्रज होरा, यानी ब्रज की होली सबसे अनूठी होती है। ब्रिज के बरसाना गांव में होली एक अलग तरह से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। ब्रिज में वैसे भी होली खास मस्ती भरी होती है, क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं। क्योंकि कृष्णा नंदगांव के थे और राधा बरसाने की थी। नंदगांव की टोलियां जब पिचकारियां लिए बरसाना पहुंचती है तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियां बरसाती हैं। पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। नंदगांव और बरसाने के लोगों का विश्वास है कि होली में लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती है। अगर चोट लगती भी है तो लोग घाव पर मिट्टी मलकर फिर शुरू हो जाते हैं। कीर्तन मंडलियां कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, फाग खेलन आए हैं नंद किशोर और उड़त गुलाल लाल भय बद्रा जैसे गीत गाती हैं। हंसी ठिटोली करते कान्हा को सबक सिखाने के लिए राधा रानी छड़ी लेकर कान्हा और उनके ग्वालों के पीछे भागती है और छड़ी मारती थी। इसी परंपरा को निभाते हुए हर साल फाल्गुन माह में बरसाने की महिलाएं और नंदगांव के पुरुष लठमार होली खेलते हैं। हो
होली की बात हो और मथुरा बरसाना और वृंदावन की होली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ की होली देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इसीलिए होली के दिनों में विदेशों से सैलानी विशेषकर होली का आनंद लेने मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। श्री राधा रानी का जहां जन्म हुआ वहां की होली के तो कहने ही क्या, क्योंकि राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। होरी में लाज ना कर गोरी, होरी में, होरी में लाज ना कर गोरी, हम में हो भंडारे शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो, शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो, शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो। दूर से देखे राधा प्यारी आगे मोरे कृष्ण मुरारी, दूर से देखे राधा प्यारी आगे फूल बिछायो रे सब फूल बिछायो रे कहीं पाँव में कांटा चुभ ना जायो, शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो। बिरहा की रातें वीरानी नाचे राधाओं के दीवानी, आई मिलन की मेला सुहानी गर्जे मेघा बरसे पानी, सबको बतायो रे कान्हा आयो रे टीका लगायो रे मोसे कान्हा होली खेलने आयो, हाँ शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो। सब नर और नारी कान्हा के संग खेले सखियां मारे देखो भर पिचकारी, मोहे बचायो रे है नटखट आयो रे पिचकारी लायो रे मोसे कान्हा होली खेलने आयो, हाँ शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो। संग खेलन होली आज मगन है रास रचैया दे कन्हैया राधा बोली, शर्माऊं रे झूम के गाऊं रे कैसे बताऊं रे मोहे कान्हा प्रेम का रंग लगायो, शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो। श्री भाई के बिहारी लाल की शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो, दूर से देखे राधा प्यारी आगे मोरे कृष्ण मुरारी, शक्कर भंडारे मोसे कान्हा होली खेलने आयो, शक्कर।
कान्हा होली खेलने आयो। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात नंदगांव के पुरुष होली खेलने बरसाना गांव में आते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव में जाते हैं। इन पुरुषों को होरियारे कहा जाता है। बरसाना की लठमार होली के बाद अगले दिन यानी फाल्गुन शुक्ल दशमी के दिन बरसाना के हुरियार नंदगांव की हुरियारनियों से होली खेलने उनके यहाँ पहुँचते हैं। तब नंद भवन में होली की खूब धूम मचती है। दरअसल बरसाना की लठमार होली भगवान श्री कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। माना जाता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी प्रकार कमर में फेटा लगाए राधा रानी तथा उनकी सखियों से होली खेलने पहुंच जाते थे। तथा उनके साथ ठिटोली करते थे। जिस प्रकार राधा रानी तथा उनकी सखियां ग्वाल बालों पर डंडे बरसाया करती थी, ऐसे में लाठी डंडों की मार से बचने के लिए ग्वाल वृंद की लाठी या ढालों का प्रयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। उसी का परिणाम है कि आज भी इस परंपरा का निर्वहन उसी रूप में किया जाता है। जब नाचते झूमते लोग गांव में पहुंचते हैं तो औरतें हाथ में ली हुई लाठियों से उन्हें पीटना शुरू कर देती हैं और पुरुष खुद को बचाते हुए भागते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये सब मारना पीटना हंसी खुशी के वातावरण में होता है। औरतें अपने गांव के पुरुषों पर लाठियां नहीं बरसाती, बाकी आसपास खड़े लोग बीच बीच में रंग बरसाते हुए दिखते हैं। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग बरसाना आते हैं। ये लठमार होली आज भी बरसाना की औरतों लड़कियों और नंदगांव के आदमियों लड़कों के बीच खेली जाती है।
ये लठमार होली आज भी बरसाना की महिलाओं और पुरुषों के बीच खेली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी होली के रंगों में रंगे हुए हैं। चैनल दिव्य की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।